Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics, where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरी वन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है दैट क्वालिटीज, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर क्या क्या होंगे जो आपके जीवन में आने वाले होंगे. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं इस इंसान के अंदर क्या गुण होंगे. सो ऑफकोर्स ताकि आप पहचान पाए. सो यूनिवर्स विद गाइडेंस एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा कौन आ सकते हैं जिसके बारे में उनको नहीं पता या पता होगा, एंड उनके गुण क्या होंगे. आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आईज जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, द फर्स्ट यहाँ पे ओवल आईज हो सकते हैं, बहुत लंबी लंबी सुंदर आंखें हो सकते हैं इनके. ऐसा लगेगा इवन अगर ये फीमेल है तो काजल अगर नहीं भी पहनेंगे तो भी लगेगा, ठीक है, कि काजल पहने हुए हैं. काफ़ी हो सकता है ये इंसान अगर मेल है तो इनकी भले लीन हो, ठीक है, थोड़ा सा पतले होंगे लेकिन उतना भी पतले नहीं, नॉट बोनी स्ट्रक्चर बट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, एंड यू कैन से दैट बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट होंगे. आई डू फाइंड लाइक दैट. दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे इंसेक्ट है. गाइस एक चीज़ वहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे साक्षात ब्रह्मा जी या माँ सरस्वती या कुछ ऐसे देवी का ऐसा आगमन मुझे दिख रहा है, जैसे कोई देवी या देवता यहाँ पे थ्रोन पे बैठे हुए हैं. ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट. ऑलराइट. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स हो. आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन कुंभ तुला राशि हो सकते हैं. ऐसे ही सारे साइंस के लिए है फिर भी मैंने बता दिया. इनके जो नज़र होंगे आई डू फाइंड लाइक दैट ना, कि ये हर एक चीज़ जैसे है ना बारीकी से जांच कर पड़ताल के बिना विदाउट जजमेंट दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग. पहले तो वो वेरीफाई करेंगे. सपोज आपने उनके सामने कोई डॉक्यूमेंट रखा, सो ये 10 बार वेरीफाई करेंगे एंड देन दे विल साइन ऑन इट. दे आर वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल बंदा है या बंदी है, और अलर्ट होंगे गाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट टाइप का. जिस तरह से हमेशा है ना आप देखोगे कि जो भी एनिमल्स होते हैं काफ़ी अलर्ट होते हैं कि उनके पीछे से कोई वार कर रहा है. जब भी मैं पक्षी को खाना देती हूँ कभी कभार तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो पीछे की तरफ ऐसा देखते, ऐसा पीछे तरफ कोई आ, तो मैं उनको बोलते रहे खा ले, कोई पीछे से कोई नहीं आ रहा है, फिर भी हर रोज़ का इस तरह से है. सो दे आर लाइक यू कैन से बर्ड्स और एनिमल्स लाइक स्पिरिट, हमेशा अलर्ट रहेगा पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. और यहाँ पे एक गेट जैसा बन रहा है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस राइट एंगल बन रहा है काफ़ी ज़्यादा. एल लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो देयर नेम कैन स्टार्ट विद एल, लाइक लावण्या, लव हो सकता है नाम, एल यू वी लंदन में रह सकते हैं, मे बी लिबानन और समथिंग लोनली. दे विल बी फीलिंग लोनली विदाउट एनी कनेक्शन. आपके कनेक्शन के बिना ना ये जो भी कनेक्शन में अगर फंसे भी होंगे तो भी उनको अकेला ही लगेगा, जैसे उनके सामने कोई है ही नहीं. हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ अफेयर भी रखा, इवन रात भी बिताए, आई एम वेरी फ्रैंक, बट स्टिल दे विल फील दैट समथिंग इज मिसिंग इन देयर लाइफ. कुछ तो है कि मेरी जिंदगी में मिसिंग है, कुछ तो है कि जिसके वजह से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. आप ना एकदम स्ट्रेट बैठे हो एकदम चेयर में, एकदम स्ट्रेट, और आंखें आपकी बड़े बड़े हो रहे हैं इस वीडियो को देखते वक्त.
So what's next? Let me see, there are more qualities. They're very good in reading, writing, speaking. Okay, verbal communication भी काफ़ी अच्छा. बहुत सारे languages में, भाषा में बात कर सकते हैं अपनी मातृभाषा को छोड़ के. वो और भी भाषा है जो उसमें बात करने में काबिलियत रखते हैं. दूसरा, इनका writing, handwriting काफ़ी अच्छा हो सकता है. मतलब cursive handwriting जिसको बोला जाता है, बहुत अच्छा से लिखते हैं. तीसरा, ऐसा हो सकता है कि जो भी वो सुनते हैं इम्पॉर्टेंट, उसको नोट्स बना देते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो. यहाँ पे एक टेलीफोन जैसा बन रहा है, सो आई डू फाइंड दे विल टेक द इनिशिएटिव टू कॉल यू बैक. ठीक है, वही इनिशिएटिव लेंगे, वही आपको कॉल करेंगे. इनको बहुत ज़्यादा ब्रेड खाना या पेस्ट्रीज, या हो सकता है कि इनको बेकरी सेक्शन काफ़ी पसंद हो जहाँ पे डोनट्स, कुकीज़ ये सब मिलता है, या इनके घर के आसपास कोई हो सकता है ऐसा फेमस बेकरी. ठीक है, ओके. ड्राई फ्रूट्स खाना भी इनको बहुत पसंद है. आई डू फील लाइक दैट कुछ लोगों के लिए आपके सेकेंड मैरिज हो सकता है, सेकेंड रिलेशनशिप हो सकता है आफ्टर द फर्स्ट वन. तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने ही फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड हो इंसान, और लोगों को सिखाते हैं, लोगों को सामने बिठाते हैं चेयर्स में और बोलते हैं कि देखो आपको काम करना है, ठीक है, आपको इस तरह से ही काम करना है वरना आपको काम नहीं करना. सो दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड रैशनल इन देयर अप्रोच. कोई भी किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल होके करते हैं. उनमें कोई ऐसा नहीं कि इमोशनल होके, अरे बंदा या बंदी तो एकदम न्यू ज्वाइन किए है उसको अच्छा से बात करे, ऐसा कुछ नहीं है. वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी फॉर्मल, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड टू द पॉइंट बात करेंगे. गोल घुमा के बात नहीं करने वाले इंसान. ट्विस्ट एंड टर्न वो तभी देना जानते हैं जब कोई उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तभी ये ट्विस्ट एंड टर्न करके स्टेटमेंट्स देंगे, वरना नहीं. ओके, फॉर सम पीपल दिस पर्सन कैन बी अ राइजिंग स्टार. ठीक है, ये धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर बहुत ज़्यादा, मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ, दे कैन हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन. ठीक है, और जिसका रेपुटेशन है आजकल के समय पे उसी का बिजनेस चलता है. यहाँ पे देखो गणेश जी की यहाँ पे आ रहा है, आप खुद ही बताना ये गणेश जी की ही यहाँ पे पिक्चराइजेशन आया है. सो आई डू फाइंड लाइक हो सकता है कि इनका वेडनेसडे जन्म हुआ हो, गणेश चतुर्थी में जन्म हुआ हो. ओके, उस तरह से हो सकता है कि इनका नाम भी गणेश हो, इस तरह से हो सकता है. ओके, गणेश विसर्जन के दिन भी हो सकता है इनका जन्म हुआ है. दे कैन बी अ बॉर्न क्राफ्ट्स पर्सन. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दो चिड़िया जैसे बैठ रही है. ओके, और बैठा है यहाँ पे एक ब्रांच में. ठीक है, एक चिड़िया और दूसरा चिड़िया यहाँ पे देखो. आई डू फील दे वेरी मच सोफिस्टिकेटेड एंड फॉर्मल. काफ़ी फॉर्मल क्लोथ्स पहनेंगे, विद अ ब्लैक ट्राउजर, विद अ वाइट शर्ट, या लाइट ब्लू या लाइट ब्राउन. वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स मे बी देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव. मतलब इनकी जो हमेशा है ना, आप देखो गैदर मोबाइल्स, फोन्स, बट दैट इज ऑल्सो फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं. एडिटिंग समथिंग हो सकता है, एडिटर हो सकता है, इस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से ही लग रहा है जैसे कोई एडिटर हो. यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं. पलंग जो है इनके पास काफ़ी सुंदर सा होगा पलंग. आप दोनों की शादी के बाद ना ऐसा पलंग खरीदोगे आप. सो वेरी मच क्रिएटिव, दे आर वेरी मच यू कैन से इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन. सपोज कोई लेटेस्ट डिज़ाइन आया मार्केट में स्लीक की, सो दे विल डेफिनेटली बाय इट, परचेस कर लेंगे ये. बाद में दूसरे महीने में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन परचेस इनको करना ही पड़ेगा. इनको ब्रांडेड परफ्यूम्स पसंद है, या इनको अतर लगाना पसंद है, या इनको इस तरह से है,
इनके जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आईब्रोज, बाइक्स में बिठा के अपने हो सकता है जब आप इनसे नहीं मिले। अच्छा टी लेटर दिखाई दे रहा है, टी यू अगेन एल तुलिका हो सकता है किसी का नाम। ओके सो ये इंसान क्या करते थे ना, ये पीछे बिठा के किसी को लॉन्ग राइड पे तो लेके जाते थे, मे बी और पर्संस एक्स लवर और वाइफ वट एवर बी इट इज। बहुत मज़ा से ज़िंदगी को एंजॉय किया है इन्होंने। अगर ये एजेड है तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके पर्सन मोर देन 35 हो या 40 के प्लस हो, उस तरह से हो सकता है कि आप लोग बोलते हो कि उनके बारे में बोलना मैम ज़रूर जो 40 प्लस हो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी मज़ा, ठीक है इन्होंने लिया है मज़ा, चीज़ का लिया है, काफ़ी बिजी रहे हैं काम में भी, फिर भी ये अपने जब वक्त आया तब ना ये अपना खेल दिखा गए। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं और इनका इस तरह से है ना कि किसी को जीतने नहीं देंगे, खुद जीतेंगे। तो थोड़ा सा यू कैन से दैट ओवर सेल्फिश एटीट्यूड, ओके एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। आप बिल्कुल उल्टे हो सकते हो इससे, रिवर्स हो सकता है कि आप ऐसा मानते हो कि नहीं, हमेशा जो अच्छे हैं उन्हीं को स्थान देना चाहिए, लेट द बेस्ट पर्सन विन। बट उनका ऐसा कोई नीति नहीं है, उनको लगता है वही काबिल है और इन्हीं को मिलना चाहिए। अवार्ड्स हो, अप्रिसिएशन हो, लेटर्स ऑफ रिकॉग्निशन हो, इट्स लाइक दैट। ओके दे कैन बी बॉर्न इन द मंथ ऑफ, यस दे कैन बी बॉर्न इन द मंथ ऑफ लाइक आई कैन सी द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, अप्रैल। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे मंथ मुझे बोलने पड़ेंगे, जो मुझे इम्पोर्टेंट दिखा ऐसा मैंने बताया। हो सकता है ये मंथ में उनका जन्म ना हो के हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हुआ हो, फेब्रवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है इम्पोर्टेंट, नवंबर हो सकता है इम्पोर्टेंट। यू कैन सी द नंबर 9, 8, ओके अगर ये एक फीमेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो एवरेज टू शॉर्ट हेयर, एवरेज टू मिडिल लेंथ लाइक हेयर, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू किस यू ऑन योर चिक। हमेशा आपको हग करना, किस करना इनको, इनका आदत होगा फीमेल अगर है तो, मतलब ये हमेशा ऐसा बोलेंगे कि आप आ जाओ, आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू हग यू, इस तरह से। ओके या आप ऐसा बोलते होंगे ज़रूर, आप बोलोगे ज़रूर अपने पर्सन को, फिर ये बोलेंगे मेरा मूड नहीं है बाद में, फिर आप इंसिस्ट करेंगे तो ये मान ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट सेटअप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मे बी यू मीट देम इन द रेस्टोरेंट और अ कॉफ़ी शॉप और समवेयर एल्स, बट जहाँ पे एटलीस्ट कपल्स की चेयर्स, एटलीस्ट ऐसा सेटिंग है जहाँ पे ना दो दो चेयर है मुझे दिख रहा है। मे बी हस्बैंड वाइफ भी आते हैं उसमें, सिर्फ कपल, मतलब अनमैरिड कपल नहीं बट हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, या होटल्स हो सकता है या कुछ ऐसा पब्लिक एरिया। जैसे होता है ना कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए, वहाँ पे कुछ ईटरी जोन हुआ, ठीक है तो वहाँ पे सब लोग बैठे हैं तो दो दो करके भी चेयर होता है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी देयर साइन। दे ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, बट ट्रैवलिंग के वक्त ना पूरी तरह से अपने गाने सुनते सुनते ट्रैवल करो भाई, ये इनकी एक फॉर्मूला है। लोगों के साथ कम बात करना ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, बट अपने में ही रहो, अपने लैपटॉप को देखते रहेंगे या आईपॉड को देखते रहेंगे। ओके कुछ फेवरेट मूवीज है लोड करके लेके जाएंगे एंड देन दिस पर्सन विल ट्रैवल लाइक। ओके अभी हम देख लेते हैं ये इंसान किस प्रकार हो सकते हैं।
सो हाउ विल बी माई व्यूअर्स पार्टनर, हाउ विल बी दे, कैसे होंगे वो, प्लीज़ बताएं. यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द मून, द लवर्स, आई टोल्ड यू, द हैंग्ड मैन, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो बेसिकली मुझे दिख रहा है ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा, या आपने काफ़ी ज़्यादा धोखा खाया है, काफ़ी वादा किया है ये इंसान ने या किसी और ने अपने आपके ज़िंदगी में, बैक स्टेप करके चले गए, बहुत रोए आप, ऐसे ज़िंदगी आपका बन गया जो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था. उस जहर को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए. यू आर अबाउट टू एंड द लाइफ फॉर सम पीपल, बट अचानक ऐसा हुआ, जैसे टेन ऑलवेज इंडिकेट्स अ न्यू थिंग इन योर लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग विद अ पेज ऑफ हैंड्स. यू गॉट एक्साइटेड कि नहीं, मुझे अपने लिए ही सोचना है, अपने लिए ही कुछ कर दिखाना है, अपना ही कुछ बनाना है, अपने ही अस्तित्व पर मुझे काम करना है. एंड नाउ यू गॉट, आप इतना पहले जैसा ना फ्रैंक नहीं रहे, आप सीक्रेटिव हो गए, एंड देन यू गॉट दिस कनेक्शन. हो सकता है ये आपकी एक्स भी हो, देर इज़ नो डाउट, बट आई डू फील लाइक दैट दिस इज़ योर अल्टीमेट कनेक्शन. सोल सेटिस्फेक्शन होगा इनसे ही आपका, एक नज़रिया बिल्कुल चेंज होगा. हो सकता है जो चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाते थे, आप मैनेज कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे अपने लाइफ को, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन, ओके, विल हैव इनफ अबंडेंस टू सेटिस्फाई यू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth, always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.